हेलो बच्चों, आइए हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होता क्या है? राइबोसोम्स इज एन इंटर सेलुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स क्या होता है? इंटर सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और किसका बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन का। ये किसका बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। एंड इट दिस साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल। और ये प्रोटीन सिंथेसाइज का कार्य करता है किसमें? सेल में। सेल में इसका कार्य करता है प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। एंड दी दी राइबोसोम्स रीड द मैसेंजर आरएनए। आरएनए के मैसेंजर को क्या करता है? ये रीड करता है एंड सीक्वेंस एंड ट्रांसलेट दैट जेनेटिक कोड इनटू द स्पेसिफिक स्ट्रिंग अमीनो एसिड। और ये क्या करता है? जेनेटिक कोड के रूप में क्या करता है? एक अमीनो एसिड अर्थात प्रोटीन के रूप में क्या करता है? संकलित कर देता है, परिवर्तन कर देता है। एंड विच ग्रो इंटू दी इंटू लॉन्ग चेन। और एक एक लंबी चेन क्या बना देता है? ग्रो लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन बना देता है। एंड दैट फोल्डेड इन टू फॉर्म प्रोटीन। और वो प्रोटीन के श्रृंखला में क्या कर देता है? बना देता है, फोल्ड करता है, परिवर्तित कर देता है। फिर देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस हैज डबल मेम्ब्रेन लेयर कवरिंग सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन लेयर कवरिंग सेल होता है एंड कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं दैट ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। और ये क्या करते हैं? इसी पोर के थ्रू बाहर का मटेरियल अंदर आते हैं और अंदर का मटेरियल बाहर आते हैं। उसको जो भी आवश्यकता होती है वो उसी के थ्रू आते जाते हैं, उसी पोर के थ्रू। एंड द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड विच आर विजाइबल एज द रोड शेप स्ट्रक्चर। और वो कैसे दिखते हैं? रोड शेप स्ट्रक्चर में दिखते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं? रोड शेप स्ट्रक्चर में दिखते हैं। ओनली व्हेन द सेल अबाउट टू डिवाइडेड। और ये कब दिखते हैं? जब सेल को डिवाइड होने वाला होता है, जब डिवाइड होने वाला होता है अर्थात जब सेल को रिप्रोड्यूस करता है, तो ये क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं? रोड शेप स्ट्रक्चर में दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं, रोड शेप में ऐसे दिखते हैं। क्रोमोसोम्स रोड शेप में दिखते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। और क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है? बहुत ढेर सारे अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? बहुत ढेर सारे अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है? बहुत ढेर सारे अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। करेक्ट इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये पेरेंट्स से जो बच्चों में जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, वो किसके फॉर्म में जाता है? डीएनए के फॉर्म में। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए की फुल नेम क्या होता है? डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स किसका बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग आ ऑर्गेनेल्स ऑर्गेनाइजिंग सेल। क्रोमोसोम्स क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है नए सेल को बनने के लिए, क्योंकि उसी के पास सारी इंफॉर्मेशन सूचनाएं होती है। तो ये डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के पास सारी सूचनाएं होती है और यही क्या करता है? कंस्ट्रक्टिंग करता है, नए सेल को निर्माण करता है। एंड फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड जीन। और फंक्शनल सेगमेंट डीएनए का क्या होता है? जीन होता है। एंड इन दिस सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग। इन आ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग। और जो सेल डिवाइड नहीं होना रहता है, उनको नहीं डिवाइड होना रहता है,
होना रहता है। इन अ सेल विच नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, एक क्रोमेटिन के पार्ट में पड़े रहते हैं, एज अ किसके फॉर्म में, क्रोमेटिन के रूप में क्या पड़े रहते हैं, डीएनए पड़े रहते हैं। एंड क्रोमेटिन मटेरियल आर विजिबल एज द इनलार्जमेंट मास इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्रोमेटिन कैसा दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा, ऐसे ऐसे धागे नुमा दिखते हैं, ऐसे 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 धागे नुमा ऐसे क्या न्यूक्लियस में पड़े रहते हैं। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइडेड इन द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इन टू द क्रोमोसोम्स, और जब ये सेल को क्या होता है, डिवाइड होना रहता है, तो क्रोमेटिन किसके फॉर्म में बदल जाता है, फिर क्रोमोसोम्स के रूप में बदल जाते हैं। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ द बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द मटेरियल। लाइसोसोम्स क्या होता है, बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ये क्या है, बेस्ट डिस्पोजल है, क्या है, बेस्ट डिस्पोजल है किसका, सेल का, बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। दिस हेल्प टू कीप क्लीन एंड डाइजेशन फॉर द फेरन मटेरियल, फॉरन मटेरियल एक इसमें मदद करता है सेल को क्लीन और डाइजेशन बनाने में। इट हेल्प टू कीप द सेल क्लीन एंड डाइजेशन एनी फॉरन मटेरियल, और कोई बाहरी मटेरियल उसके अंदर अट्रैक्ट करता है, उसके ऊपर आता है, तो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, ख़त्म करता है, एज वेल एज दी वर्म, जैसे कीटाणु हो गए, वर्म आउट सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स हो गए, एंड क्या हो गया, फॉरन मटेरियल हो गया, क्या हो गया, फॉरन मटेरियल हो गया। एंड फॉरन मटेरियल इंटरनिंग दिस सेल सच एज दी बैक्टीरिया, जैसे कोई बैक्टीरिया इसके अंदर इंटर किया, एंड फूड सच एज वेल दिस ओल्ड ऑर्गेनल, और कोई पुरानी पुरानी ऑर्गेनल से इंडप उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। और इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग भी, इसका दूसरा नाम लाइसोसोम्स का क्या है, सुसाइड बैग भी, क्योंकि ये खुद को फाड़ देता है, उसके अंदर क्या होते हैं, पावरफुल एंजाइम होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और ये क्या करता है, उन बैक्टीरियो को और सब फूड को सबको क्या करता है, तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। विच बेग कम्प्लेक्स सब्सटेंस इन टू द सिमिलर, जो कि क्या कहता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक सिम्पलर रूप में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज कंटेन, और ये राइबोसोम क्यों ऐसा कर पाता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल टू ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, क्यों कर पाता है, क्योंकि पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जिसलिए एक ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। प्लास्टाइड देखते, प्लास्टाइड आर प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल, प्लास्टाइड में केवल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्लास्टाइड, और प्लास्टाइड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड होता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या होता है, कलरलेस होता है, व्हाइट और कलरलेस होता है, कैसा होता है, व्हाइट और कलरलेस होता है। अब क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये एक पिगमेंट कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल, ये क्या किससे भरा होता है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल से भरा होता है, एंड दे नोन एज द क्लोरोप्लास्ट, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग अ पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो पिगमेंट से भरा होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। एंड क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस एलो एंड ऑर्गेनल पिगमेंट, इसके पास क्लोरोप्लास्ट के पास और क्या होता है, एलो और ऑर्गेनल पिगमेंट भी होता है, एंड एडिशनल टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होने पानी होने के लिए, पाने के लिए, ठीक है, क्लोरोफिल के लिए। एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, प्राइमरी ऑर्गेनल्स है, इन विच द मटेरियल सच एज द स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैनुल्स आर स्टोर्ड, इसमें क्या होते हैं, स्टार्च
भरे होते हैं स्टोर्ड होते हैं, ऑयल एंड प्रोटीन एंड ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन ऑयल्स और स्टार्च क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। अब आइए देखते हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। अ सेल मेडअप ऑफ द सेल वॉल, कोई भी सेल किससे बना होता है, सेल से बना होता है, सेल वॉल से। एंड डेट कंटेंस प्रोटोप्लाज्म, उसके पास क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। एंड द प्रोटोप्लाज्म आर इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्रोटोप्लाज्म किसके पार्ट में डिवाइड होता है, टू पार्ट में। एक होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में होता है, और दूसरा डेट पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म जो कि एक पार्ट ही प्रोटोप्लाज्म के लाइक आउटसाइड द अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर भी होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है मतलब अर्थात, और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी होता है, अराउंड न्यूक्लियस एंड आउटसाइड, जो कि सेल के न्यूक्लियस के बाहर होता है उसके, और न्यूक्लियस के अराउंड भी चारों तरफ भी होता है। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के बाहर होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। डेड पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म जो कि एक पार्ट है प्रोटोप्लाज्म की, पार्ट है डेड लाई विद इन द न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कर देते हैं। इट इज जेली लाइक, कैसा होता है, जेली लाइक होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, विस्कस लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट विद द सेल वॉल। और ये क्या होता है, विस्कस लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ, चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिश्यू में।